नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। यूपी के शाहजहांपुर में अंटा चौराहा स्थित अटल सभागार में आज हीट वेव के मद्देनजर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। जनपद में ग्रीष्म ऋतु की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थानीय भवनों में संभावित अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव, सुरक्षा और रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। यहाँ अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व डॉक्टर सुरेश कुमार, FSO शाहजहांपुर सत्यानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर गौरव मिश्रा, टंडल हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास टंडन, अधीक्षकगढ़ अभियंता इत्यादि विभागीय अधिकारियों ने उपरोक्त कार्यशाला को मौजूदा समय में बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि समय समय पर इस तरह की कार्यशाला होती रहनी चाहिए और मौजूदा समय में भीषण गर्मी में होने वाले हादसे को रोकने की मदद मिलेगी। आज की कार्यशाला में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, डॉक्टरों, शिक्षण संस्थानों से जुड़े लोगों ने प्रतिभाग किया। वर्तमान समय में इसमें हीट वेव चल रही है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हमारे जो है जो सिस्टम में वोल्टेज भी कम हो गए हैं, जिसके कारण जो हमारे अप्लायंसेस हैं या वोल्टेज कम के कारण जो है लोड बढ़ रहा है, केबिलों पर लोड बढ़ रहा है, ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम सभी से मतलब अनुरोध करना चाहते हैं, मेरी अपील है कि जो है घरों में जो अप्लायंसेस हैं आवश्यकता पड़ने पर ही चलाएँ उसको, अन्यथा उसको बंद रखें, जिससे मतलब कि सिस्टम पर हमारे मतलब कि लोड कम पड़ेगा। जिस सिस्टम में लोड कम पड़ेगा तो हम जो है बिजली विद्युत आपूर्ति को सुचारू कर पाएंगे। जो है आपदा प्राधिकरण शाहजहांपुर की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, इसमें विद्युत सुरक्षा, अग्निकांड से सुरक्षा से संबंधित एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे अपर जिलाधिकारी जी, CFO सर और विद्युत निदेशालय से इंजीनियर साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, जिससे हम लोगों को आगे काफ़ी मदद मिलेगी और भविष्य में उम्मीद है इसी तरह की कार्यशालाओं का आयोजन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि वायुमंडल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आग लगने के लिए जो टेम्परेचर होता है आवश्यक इसमें मिल जा रहा है। इसको जागरूक करने में मुद्दे होता है कि सभी अस्पताल, प्रतिष्ठान, होटल, नर्सिंग होम, इनका मेन उद्देश्य था कि इनमें जो आग घटनाएँ ना हों, पब्लिक को जागरूक करने के लिए और इनको पब्लिक को जागरूक करने के लिए इनके अस्पतालों में क्या क्या सुविधाएँ हैं वो एक्टिव करने के लिए मेन कार्यशाला किया गई है। क्या कुछ जानकारी देखिए, इस समय देखिए आग एक प्रकार की आपदा है। आपदा, आग लगने के पहले क्या प्रिकॉशंस लें, आग दौरान क्या प्रिकॉशंस लें, आग लगने के बाद क्या प्रिकॉशंस लें, इसके विषय में इनको कार्यशाला के माध्यम से ब्रीफ किया गया। इस समय इस तरीके की वर्कशॉप बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस समय का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा आग फायर की उसकी वजह से, बिजली की वजह से हो रही है या सिलेंडर्स की वजह से हो रही है या सूखी चीज़ों की वजह से हो रही है जो ज्वलनशील है, इनका किस तरीके से बचाव हो सकता है और कैसे इसके लिए हम प्रिपेयर रह सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई जो कि बहुत अच्छी जानकारी थी। इस वर्कशॉप में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया? इस वर्कशॉप में जिले CFO साहब ने किया, इस वर्कशॉप के नैनी व्यापार ने किया, इसके अंदर विद्युत सुरक्षा विभाग से किया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से किया, व्यापार मंडल लोगों ने किया और बाकी जितने भी संस्थान या प्रतिष्ठान या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सब ने इस पर साथ दिया और सबने इसको अटेंड किया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।